लीजिए छात्रों, फाइनली आप लोगों का 200% रियल पेपर आ चुका है, मैथ का पूरा सेट आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक सेट का हर एक क्वेश्चंस में आपको कवर कर दूंगा। अभी चलिए एक सेट का क्वेश्चंस में आपको पूरे बता देते हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो आप लोगों का पहले क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, बहुपद x2 + 3x4 + x - 4x3 + 7 है। ठीक है, तो इसकी घात आपको निकालनी है कि सबसे बड़ा इसका घात क्या है, तो इसका घात आपको बताना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या होती है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0.0 होते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मूल बिंदु के निर्देशांक ए वाला है ना, इस क्वेश्चन को 100% आपको कर लेना ही कर लेना है। ठीक है, गड़बड़ी नहीं करना है इस क्वेश्चन को, तो जरूर ही आप लोग कर लेना यार। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख होता है, एक सरल रेखा, समांतर रेखा, लंब रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक सरल रेखा। ठीक है, तो इसको भी आप क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका आता है, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है, क्योंकि अधिक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है उसको बोलते हैं आसन कोण को पूरब बोलते हैं, न्यून कोण को 90 डिग्री से कम को बोलते हैं, संपूर्ण कोण को 180 डिग्री बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण कोण। तीन असंरेक बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर 1, 2, 3, 4, जिसका आपको राइट आंसर बताना है कि मतलब क्या होगा। ठीक है, इसको भी आपको बता देना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आप लोग का आता है, यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम वाले जो भी छात्र हैं वो आपको देख ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश मीडियम के छात्र भी देख लेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो इसको भी आपको कर लेना है। शंकु का आयतन इतना होता है, इसका आप लोग देख लीजिएगा। सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को बहुलक कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानीय आवर्तित होता है, तो इसको भी आपको कर लेना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे शेषफल होगा, तो इस क्वेश्चन को भी आपको कर लीजिएगा। और एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता ही होगा, तो इसको भी आपको कर लेना है। इंग्लिश मीडियम के जो भी छात्र हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सत्य असत्य पे। तो सत्य से पूछता है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। एक बहुपद का शून्यक सदैव जीरो होता है, गलत। एक बहुपद का शून्यक सदैव से 1, 2, 3, 4, 5 मतलब अंकों में होता है, जीरो नहीं होता है। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज हमेशा शून्य होती है, सत्य हो जाएगा। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, सत्य हो जाएगा। रिजु कोण की माप 360 डिग्री होता है, गलत, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, असत्य हो जाएगा, तो इसको भी आपको देख लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों का जोड़ी यहाँ पे आ जाता है, जोड़ी को भी आपको देख लीजिएगा। तो पहले मैं x2 - y2, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x + y और x - y। x3 + y3 का आपका हो जाएगा x + y x² - xy + 2y। ठीक है, बिंदु जीरो भी स्थित होगा, बिंदु जीरो भी स्थित, और इसको भी आपको बताना है, तो इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का इनका भी आ जाएगा, तो इनको भी आपको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका पहले तीसरे का वाई हो जाएगा, और चौथे का एक्स हो जाएगा, पाँचवें का हो जाएगा न्यून कोण, और छठे का हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, 90 डिग्री से कम वाला हो जाएगा न्यून कोण,
और वह चतुर्भुज जिसकी समक्ष भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पे आपका आता है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद में 4x + 3y = y का हल कीजिए, तो इसका हो जाएगा ये वाला एंटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कर लेना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसको भी कर लीजिएगा। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे कितने सम चतुर्भुज की करता है, तो इसको कर लीजिएगा। चक्रीय सम चतुर्भुज क्या कहलाते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो पूरे क्वेश्चंस को हम लोगों ने आपका जो भी पास होने के लिए था, मतलब 32 नंबर के क्वेश्चंस जो भी थे पूरे को हम लोगों ने कवर कर दिए, 32 से 28 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे छठवें नंबर पे क्वेश्चन आता है, उसको देख लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उसको भी देख लीजिएगा। तो अब मैं आपको बता दूँ, तो यार वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो अगले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट टू लाएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतना ही इस क्वेश्चन को कर लीजिए, 100% यार आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको टॉप करना है तो कमेंट करिए पार्ट टू, ठीक है, कमेंट करके बताइए पार्ट टू, एंड अगली वाली वीडियो में हम लोग आपके लिए ला देंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। आशा करेंगे वीडियो पसंद है, पसंद है तो लाइक करिए।